महोदय के आदेश से 15 सितंबर तक के लिए बोट संचालन बंद है। गंगा जी में तेज बहाव है, अतः आप लोग बोट का संचालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बोट का संचालन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये माझी बंधुओं से पुनः निवेदन है कि गंगा जी में तेज धारा के कारण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 15 सितंबर तक बोट का संचालन बंद है, अतः कोई भी माझी बोट का संचालन नहीं करेगा। अगर आप बोट संचालन करते हुए पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। गंगा जी में तेज धारा है, अतः स्नानार्थियों से निवेदन है कि वो किनारे ही स्नान करें, गंगा जी में घुस के स्नान करने का प्रयास न करें। निवेदन है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 15 सितंबर तक बोट का संचालन बंद किया गया है। अगर कोई भी माझी बंधु बोट का संचालन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। खुद के गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में तेज धारा है, आप लोग किनारे ही स्नान करें। गंगा जी में धारा इस समय बहुत ही तेज है, पानी का बढ़ाव जारी है, अतः आप लोग किनारे ही स्नान करें और सुरक्षित रहें। जो लोग भी अंतिम संस्कार करने घाटों पर आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया, पानी बहुत बढ़ा हुआ है, गंगा जी का जलस्तर में तेज बहाव है, अतः आप किनारे ही स्नान करेंगे। आप गंगा जी में अगर गहरे पानी में थोड़ा भी आगे जाएंगे तो आप नुकसान उठाना पड़ेगा, अतः आपसे निवेदन है कि आप किनारे ही स्नान करें और सुरक्षित अपने घर को वापस चलें। गंगा जी में तेज बहाव है, जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, कृपया किनारे ही स्नान करें और सुरक्षित अपने घर को जाएं। कृपया आप गहरे पानी में आने की कोशिश न करें, आगे पानी बहुत गहरा है तथा बहाव बहुत तेज है, आप लोग किनारे ही स्नान करें और सुरक्षित अपने घर को चले जाएं। माझी बंधु से पुनः निवेदन है कि नौका संचालन 15 सितंबर तक बंद है, अगर कोई भी बोट संचालन करते हुए पाया जाएगा, गंगा जी में तेज बहाव है, अतः कोई भी नाविक बंधु अपने बोट का संचालन नहीं करेंगे। रस्सी बांध के गले घुस के तो खींच जाने लग गया है।